ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष इन्होंने सब्जेक्ट रखा है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 143 बर्थडे सेलिब्रेशन। वैसे तो 15 तारीख दिसंबर उनका बर्थडे होता है और उसके उपलक्ष में उन्होंने क्या क्या सेवा किया है उसकी थोड़ा हमें याद करना, याद दिलाना, याद करते। देखो महात्मा गांधी जी के 150th बर्थडे चल रहा है, अभी भी चल रहा है बहुत देश के कोने कोने में, भारत सरकार की निर्देशन अनुसार और देश में विदेशों में भी, हमारे इंडियन एम्बेसीज में आदि में सब जगह में महात्मा गांधी जी के 150th बर्थडे है। ऐसे बुद्ध जयंती, राम जयंती, कृष्ण जयंती, महावीर जयंती, अनेक जयंतियों को मनाते आए और मनाते रहते। बुद्ध बनने के पहले वो अलग था, बाद में बुद्ध जयंती बना। ऐसे ही विवेकानंद जयंती बनाते हैं, विवेकानंद बनने से पहले वो दूसरा जन्म था। ऐसे ही हर एक कृष्ण जयंती तो फिर भी उनका जन्म सा कृष्ण जयंती है, उनका परिवर्तन नहीं हुआ। राम जयंती में राम परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उनको जन्म से उनका बुद्ध रहा, राम रहा, कृष्ण रहा, इसके लिए उनकी अलग बात है। परंतु हम क्यों प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जयंती को मना रहे हैं, इसकी एक बहुत विशेष बात है, बहुत इस दुनिया में बहुत रहस्यमय बात है और साथ साथ में एक अद्भुत बात है। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा सभी धर्म स्थापना का पिता है, धर्म स्थापक। बुद्ध ने धर्म स्थापन किया, कृष्ण, महावीर ने धर्म स्थापन किया, अन्य धर्म स्थापक के पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए निमित्त बने, परंतु उनकी माध्यम द्वारा शिव बाबा ने किया। परंतु माध्यम किसको बनाया? ब्रह्मा बाबा को। परंतु उन्होंने ये धर्म स्थापन करने के लिए साथ साथ में केवल धर्म ही स्थापन नहीं किया, राज्य सत्ता भी स्थापन करें। राज्य सत्ता अर्थात सारी प्रकृति पर, इस धरती पर, सारे विश्व में एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कार, एक समान समाज को बनाने का कार्य जो है इस समय में वो रहा। अभी तो स्थापना नहीं हुई, पहले हुआ था 5000 वर्ष पहले, अभी पुनः हो रहा है। इसका स्थापना के लिए निमित्त बने पिताश्री आचार्य दादा लेखराज, निमित्त बने धन प्रजापिता किया इसका। आज उसका पहचान सारी देश में, विदेश में, विश्व में होते जा रहा है। मिसाल के तौर पर 6 दिसंबर माउंट अबू में एक महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन हुआ था, आप सभी जानते होंगे। हमारा देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे। रामनाथ कोविंद जी को निमंत्रण देने में अमरजीत सिंह जी का निमित्त है, उन्होंने मुझे लेके गए दिल्ली में उससे मिलने के लिए, अवसर मिला। उसके बाद में भी उसको 2 बार निमंत्रण दिया, उन्होंने उसी टाइम में निश्चय किया मैं आएंगे तो फर्स्ट टाइम माउंट आबू में ही आएंगे, और अन्य स्थानों पर भी निमंत्रण दिया गया था, परंतु उन्होंने उसी टाइम में भी कहा मैं आएंगे तो पहले माउंट आबू में ही आएंगे। आ भी गए निमंत्रण, परंतु उन्होंने 2-3 बातें, मैं पूरा भाषण का उल्लेखन नहीं करेंगे, 2-3 बातें उल्लेखन करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा जो दादा लेखराज ईश्वरी विश्वविद्यालय में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नाम से पहचान है, दादा लेखराज एक वज्र व्यापारी थे, हैं ये सभी आप ही जानते हैं। परंतु उन्होंने वज्र व्यापारी होने के नाते से वज्रों को पहचानना, डायमंड को पहचानना, हीरों को पहचानना उनका स्वाभाविक गुण था, वह उनका एक नेचर था, वह उनका एक कला थी। केवल उन्होंने उस व्यापार को छोड़ करके अपने जीवन को शिव बाबा को समर्पित किया। करने के बाद में उन्होंने पहले तो इंसान को पहचानने का कोशिश किया, इंसान को आत्मा बनाने की कोशिश किया, इंसान की अवगुणों को निकाल के दैवी गुणों को धारण करने की शिक्षा दिया। उसका परिणाम इंसान को क्या बनाया आज, विशेष करके बहनों, इस दुनिया में क्या हो रहा है आप अलग बात है, परंतु बहनों को विशेष करके पहचान करके उन्होंने राष्ट्रपति जी की मुख्य कमल से ये बात निकली, स्त्री रत्न की उपाधि मैं देता हूँ इन सभी बहनों को।
त्रिरत्नों की उपाधि देता हूँ इन सभी बहनों को। माना केवल एक महिला को रत्न बनाए, एक महिला को विश्व कल्याणकारी बनाए, एक महिला को विश्व माता बनाए, वे विश्वा को जगत अम्बा बनाए, सरस्वती बनाए, लक्ष्मी बनाए, ऐसी बनाने का जो कार्य जो है पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की मुख से शिव बाबा ने किया, परंतु उसका श्रेय साकार माध्यम के नाते से उसको जाता है। परंतु ये महिमा आज केवल भारतवर्ष के गली गली में, गांव गांव में, शहरों में भी हो रहा है, परंतु उसकी महिमा देश की महामहिम राष्ट्रपति की मुख कमल से खुद अपनी इच्छा से आई है। हमने कोई लिख करके पढ़ा के नहीं दिया उसको, अपनी इच्छा से, अपने पहचान से, अपनी तीसरे नेत्र से जान करके उन्होंने ये बात कहा। दूसरी बड़ी बात महामहिम साहब ने कहा, हम सदियों से विश्वास करते आए सारी धरती सारी विश्व जो है ईश्वर का है, ईश्वर का है, परंतु ईश्वर की धरती होने के नाते से ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी सारे विश्व के विश्वविद्यालय है। अभी बहुत विश्वविद्यालय है, रीजनल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आदि आदि, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी आदि, परंतु विश्व में एक ही मात्र विश्वविद्यालय सारे विश्व को एक पढ़ाते हैं। ऐसी विश्वविद्यालय सही माने से ऐसी विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये दो विशेष बातें उन्होंने उल्लेखन किया, और भी बहुत बातें उल्लेखन किया आप सबको टेलीविजन चैनल के माध्यम द्वारा।